नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ 24। शेखपुरा जिले में चुनावी रंजिश को लेकर बदमाशों ने एक युवक को बेरहमी से पीटकर जख्मी कर दिया। वही जख्मी घायल युवक घटना की जानकारी अपने साथियों को दिया, जिसके बाद दोस्तों ने घायल को बेहतर इलाज के लिए शेखपुरा अस्पताल भर्ती कराया। घटना शेखपुरा जिले के नगर थाना क्षेत्र के बरुई गाँव के स्थित एक निजी माइंस कंपनी के पास घटित हुआ, जहां चुनावी रंजिश में वरुई गांव निवासी संजीव कुमार अपने बाइक से शेखपुरा बाजार आ रहे थे। इसी बीच बदमाशों ने युवक को एक विशेष प्रत्याशी को चेयरमैन पद पर सहयोग करने से नाराज होकर मारपीट का आरोप लगाया। घायल युवक ने कहा कि अपने एक विशेष चेयरमैन पद के उम्मीदवार को सहयोग नहीं करने से नाराज व्यक्ति ने उन पर लाठी डंडे से मारकर जख्मी कर दिया, जबकि घायल के शरीर पर जख्म के कोई निशान नहीं दिखाई दे रहा। आइए आपको सुनवाते हैं संजीव कुमार ने क्या कहा। मारपीट का कारण यही है कि हम यहाँ गाड़ी दिए थे बनाने के लिए, राजीव जी के पास गाँव से आ रहे थे। आने दरमियान में हमको वहाँ पे दिखा थे, बुलाने के बाद गए तो उधर रूम में ले जा करके तीन चार ठो लड़का था जो कि संजय गुप्ता साला रहा है साथ में, वो कुल मिल के हमको बोला दारू पीने, हम दारू नहीं पिए, लाठी डंगाने लगे और उसके बाद बोलने लगा कि तुम्हें हमको हराया है। हाँ, क्या चीज़ में हराया? चुनाव थी चेयरमैन प्रतिनिधि के लिए। आप विजय सर के हम चेला रहे हैं, इसीलिए विजय सर के साथ में थे। मारपीट में कौन कौन था? नीरज कुमार, राहुल कुमार, और एक सारी का एक लड़का था और नीरपुर के दो और लड़का था साथ में। क्या नाम था उसका? नाम दोनों के नहीं जान रहे हैं। क्या चीज़ से मारपीट किया? लाठी से मारा, पैनल से मारा, पीठ में, और पिस्टल भी साथ में था। कहाँ घर हुआ? बरुई। क्या नाम हुआ? संदीप कुमार। पिता का नाम? रामवीर ठाकुर।